वैसे तो देखो लोग अपनी बोरिंग सेक्स लाइफ में तड़का लगाने के लिए बहुत से तरीके अपनाते हैं, जैसे माहौल को रोमांटिक करना, बेडरूम में से बाहर निकल के बैल्कनी में सोफा सेट करना और वहीं पे ही फोर प्ले के मजे उठाना, और कई बार तो वो लोग सेक्स भी बैल्कनी में ही कर लेते हैं। तो करते हैं लोग, ऐसे होते हैं। सेम इसी तरह से अपने घर के टेरेस को बिल्कुल डेकोरेट कर लेना, रोमांटिक माहौल बना लेना, लाइटें वाइटें वहां पर लगाना और वहां पर सेक्स का मजा उठाना। लेकिन आज मैं आपको कुछ इस तरह की फैंटेसी के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही किंकी फैंटेसी है, जिससे आप अपनी रूटीन सेक्स लाइफ में रंगीनियां भर सकते हैं, अपनी रूखी सूखी सेक्स लाइफ को खाद पानी देकर हरा भरा कर सकते हैं। और उस फैंटेसी का नाम है रोल प्ले फैंटेसी। देखो ये जो रोल प्ले एक्ट है, ये जो लाइफस्टाइल कपल है, इनके बीच में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कोई नया नहीं है, वो इस फैंटेसी को करते रहते हैं एंजॉय। और आम लोग भी इस फैंटेसी को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई बताने वाला तो होना चाहिए। तो आज मैं आपको इसी फैंटेसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि जो रोल प्ले एक्ट होता है ये क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है और इसमें क्या एंजॉयमेंट मिलता है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। रोल प्ले देखो एक ऐसा एक्ट होता है जिसके द्वारा आप सेक्स करते वक्त किसी दूसरे के कैरेक्टर को निभाते हो और उसी के जरिए आपको अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। आप रोल प्ले के द्वारा अपनी उन सेक्सुअल कल्पनाओं को जी पाते हो जिन्हें आपने अभी तक नहीं जिया, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। आपकी इमेजिनेशन, आपकी फैंटेसी, आपकी डिजायर में सीमित होकर रह गई है, उनको जीने का आपको मौका मिलता है। अब इस रोल प्ले को करने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन सा रोल करना चाहते हो, कौन सा कैरेक्टर निभाना चाहते हो, और साथ ही साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि आपकी जो वाइफ है वो किस तरह का रोल निभाना चाहती है, वो किस तरह के रोल में कंफर्टेबल फील करेगी। क्योंकि दो लोगों के बीच किया जाने वाला एक्ट है तो म्यूचुअल कंसेंट जरूरी हो जाता है। अपने इस रोल प्ले की लिमिटेशन भी फिक्स कीजिए ताकि आप दोनों ही इस रोल प्ले एक्ट को एंजॉय कर सके, इसका मजा उठा सके। आप देखो थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर सकते हो, कॉस्ट्यूम और प्रॉप का भी यूज कर सकते हो अपने रोल प्ले को जानदार और शानदार बनाने के लिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी जो लाइफस्टाइल कपल रोल प्ले करते हैं, जैसे बॉस एंड सेक्रेटरी। देखो जो बॉस होते हैं इनको कहीं ना कहीं अपनी सेक्रेटरी पे क्रश होता ही है। अब मान लो कि अगर कोई बॉस है वो मन ही मन चाहता है अपनी सेक्रेटरी से फिजिकल होना, लेकिन उसकी जो चाहत है ये चाहत ही बन के रह जाती है और उसकी फैंटेसी में कन्वर्ट हो जाती है, वो कभी उसके साथ फिजिकल हो ही नहीं पाता। रीजन कुछ भी हो, तो ऐसे में वो अपने लीगल पार्टनर या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस सेक्रेटरी बॉस का रोल प्ले कर सकता है और अपनी फैंटेसी को अंजाम दे सकता है, और वो सेक्रेटरी बनकर उसको यस बॉस वाली सारी चीजें उसके साथ करती है एज अ सेक्रेटरी। शॉर्ट स्कर्ट पहनकर, शॉर्ट शर्ट पहनकर और साथ में उसी तरह का बन बना के, हाथ में डायरी पेन लेके बिल्कुल उसी तरह का माहौल क्रिएट कर सकती है। जब वो बॉस है वो अपने उस फीमेल पार्टनर को सेक्रेटरी के अंदाज में, उसी रूप में, उसी तरीके में जब वो देखता है तो उसके अंदर जो एक्साइटमेंट होती है, जो स्पार्क होती है, वो भड़कने लगती है। वो उसकी टाई पकड़कर उसे खींचता है, उसे नजदीक लाता है, टेबल पर उसको बिठाता है, उसके साथ रफली सेक्स करता है। मतलब जो जो उसकी फैंटेसी होती है, जो वो चाहता था कि मैं सेक्रेटरी के साथ करूं, उसकी शॉर्ट स्कर्ट के अंदर हाथ दूं, स्टॉकिंग्स उसने पहनी हुई है अगर तो उसको उतारूं, उसकी सैंडल्स, उसकी हाई हील्स। ये एक्ट उन दोनों के बीच उत्तेजना को बढ़ाता है, उनके सेक्स के मजे को दुगना कर देता है। सेम इसी तरह से टीचर स्टूडेंट रोल प्ले। अब जैसे कितने ही पुरुष ऐसे होते हैं जो अपने किशोर अवस्था में अपने किसी टीचर से प्रभावित हो जाते हैं, उसके प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन वो उसकी टीचर होती है तो रिस्पेक्ट भी करनी होती है। तो मन ही मन में ये उनकी फैंटेसी के रूप में जन्म ले लेता है कि यार मेरी जो टीचर है, मेरा पहला प्यार है, मेरा क्रश है, लेकिन मैं उसके साथ रोमांस नहीं कर सकता। तो जब ऐसे में वो अपनी वाइफ को 15 साल बाद, 20 साल बाद या किसी भी अपनी गर्लफ्रेंड को टीचर के रोल में देखते हैं, वो अपने उन अरमानों को जीना शुरू करते हैं जो इतने सालों से उनके मन में दबे हुए थे, जिन्हें वो कभी जी ही नहीं पाए। इस तरह के टीचर स्टूडेंट एक्ट में चैलेंजिंग टास्क भी दिए जाते हैं, तो अगर वो उस टास्क में फेल हो जाए तो बदले में मुर्गा पनिशमेंट भी दी जाती है, और अगर पास हो जाए तो गिफ्ट भी दिया जाता है और साथ ही साथ रोमांस भी दिया जाता है। तो ये उसकी इमेजिनेशन होती है, जो कल्पना होती है टीचर के साथ रोमांस करना, वो उसकी उस एक्ट के थ्रू फुलफिल हो रही होती है, जिसे दोनों ही मिलके एंजॉय करते हैं,
मजा उठाते हैं। अब जैसे मान लो किसी औरत की ये फैंटेसी है स्ट्रेंजर के साथ सेक्स करना, किसी अजनबी के साथ सेक्स करना, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ये बहुत रिस्की होता है, तो वो इस रोल प्ले के थ्रू अपनी इस फैंटेसी को अंजाम दे सकते हैं। जैसे दोनों ही हस्बैंड वाइफ किसी एक दिन के लिए एक दूसरे के साथ अजनबी हो जाते हैं, कैफे शॉप में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ बिल्कुल अजनबी की तरह बिहेव करते हैं, जैसे वो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देख रहे हैं। जो वाइफ होती है उसकी जो कि एक अजनबी का कैरेक्टर प्ले कर रही है, लो नेक वाला टॉप पहन कर आती है और उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है अपनी लो नेक दिखा के। इसी तरह से उसका जो हस्बैंड होता है जो कॉफी शॉप में उससे मिलने के लिए आता है, वो भी बिल्कुल एकदम अजनबी की तरह उससे बिहेव करता है, उसको सेड्यूस करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर वो दोनों ही उस दिन वन नाइट स्टैंड का मजा उठाते हैं, सेक्स करते हैं एक दिन के लिए बिल्कुल अजनबी होकर। एक और बहुत ही फेमस रोल प्ले एक्ट है जो कि लाइफस्टाइल कपल में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, दैट इज चोर पुलिस एक्ट। इसमें क्या होता है, जो मेल होता है वो पुलिस का रोल प्ले करता है और जो फीमेल होती है वो चोर का रोल प्ले करती है। आप चाहे तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, इसके अपोजिट भी कर सकते हैं, जो फीमेल है वो पुलिस बन सकती है और जो चोर है वो मेल बन सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर बेसिकली डोमिनेंट और सबमिसिव वाला गेम खेला जा रहा होता है। जैसे जो मेल है वो पुलिस बना है तो पुलिस एज अ डोमिनेंट नेचर का किरदार निभाता है और जो फीमेल है जो चोर बनी है वो सबमिसिव का किरदार निभाती है, उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी जाती है क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर बॉन्डेज फैंटेसी को भी इंजॉय किया जाता है। इसमें सेक्सुअल टॉर्चर किया जाता है और सजा के रूप में उसके साथ रफ सेक्स किया जाता है उसके हाथों को बांध के। देखो ये वाला जो चोर पुलिस वाला रोल प्ले है ये इसलिए भी बहुत ज्यादा फेमस है लाइफस्टाइल कपल के बीच क्योंकि इसमें तीन चीजों को एक साथ जिया जा रहा होता है, रफ सेक्स भी किया जा रहा होता है, बॉन्डेज की फैंटेसी को भी इंजॉय किया जा रहा होता है और साथ में जो डोमिनेंट और सबमिसिव का जो कैरेक्टर है इसको प्ले करते हुए उन्हें आनंद आ रहा होता है। तो ये तीनों चीजों का मिश्रण होता है चोर पुलिस एक्ट में। इस तरह के रोल प्ले एक्ट आपकी कल्पना और सेक्स लाइफ में जीने की पूरी आजादी देते हैं और साथ ही साथ आपकी सेक्सुअल लाइफ को स्पाइस अप करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखो यहां तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए रोल प्ले एक्ट के, आप चाहे तो किसी भी तरह का रोल प्ले चूज कर सकते हैं, अपनी पड़ोसन का किरदार भी निभा सकते हैं या फिर कोई फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस है आपकी उसका किरदार प्ले कर सकते हैं। लेकिन जो भी एक्ट करो म्यूचुअल कंसेंट के साथ करना जरूरी है, वरना एक का मजा दूसरे की सजा बन जाती है। क्योंकि देखो अगर एक तैयार है लेकिन जो दूसरा है उसे जबरदस्ती का सौदा लग रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसे बाउंड करके प्रेशराइज किया जा रहा है किसी एक्ट को करने के लिए, तो देखो उसका भी कोई खास मजा नहीं है। तो बेटर है कि आप इसके लिए प्लानिंग करें, एक दूसरे से बातचीत करें, ओपिनियन लें एक दूसरे का और जब पूरी सहमति हो जाए उसके बाद ही इस एक्ट को करना शुरू करें। तो कैसा लगा है वीडियो बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।